करती हूं आपका M4E न्यूज में, आपके साथ मैं हूं अंशु शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुजफ्फरनगर के समाज सेवी प्रजापति समाज की एक मीटिंग उत्तर प्रदेश प्रजापति महासभा के ऑफिस पर श्री कन्वर पाल प्रजापति ठेकेदार जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रजापति समाज के उत्पीड़न, शिक्षा, बेरोजगारी और संगठन को मजबूत करने हेतु और समाज में जो कृतियां फैली हुई हैं उन संबंध में गहनता से विचार हुआ और सभी ने एकजुटता के साथ कहा कि मुजफ्फरनगर जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में 11-11 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के माध्यम से प्रजापति समाज के प्रत्येक ब्लॉक में जो भी अत्याचार, उत्पीड़न या अन्य किसी प्रकार की जो समस्याएं हैं उसी कमेटी के माध्यम से हल की जाए और समाज के बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर कर उनको अच्छे शिक्षा व राजनीतिक चुनाव व पदों के प्रति प्रेरित किया जाए, उनको अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में नौकरियों के लिए भेजा भी जाए, जो कोचिंग की व्यवस्था हो सकती है शिक्षा समिति के माध्यम से वह देने का भी विचार हुआ और जो गरीब बच्चे शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं उन गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा समिति के माध्यम से आर्थिक मदद देने तथा आने वाले प्रधान व जिला पंचायतों के चुनाव में जहाँ जहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी हर संभव आर्थिक सहयोग करेंगे और राजनीति पार्टी से टिकट दिलाने पर भी विचार हुआ। सर, आज प्रजापति समाज के गणमान्य व्यक्तियों की एक बैठक प्रजापति महासभा जिलाध्यक्ष प्रमोद प्रजापति उनके ऑफिस पर लेकर संपन्न हुई, जिसमें समाज में फैली कुरीतियों को लेकर चर्चा की गई। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया गया और समाज में जो हमारे समाज के प्रति जो अत्याचार बढ़ रहा है उनको किस तरीके से अत्याचार को दूर किया जाए, किस तरीके से शोषण को नष्ट किया जाए जो समाज के प्रति समाज पर हो रहा है उसको दूर करने पर चर्चा की गई है और पूरा प्रजापति समाज एकजुट है, प्रजापति समाज को एकजुट करने पर बल दिया गया है। पूरा प्रजापति समाज एक प्रजापति समाज प्रजापति समाज महान प्रजापति महान प्रजापति और पूरे प्रजापति समाज ने मिलकर एक दूसरे का सहयोग करने का जो आज संकल्प लिया है। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता भारत वीर प्रजापति की रिपोर्ट। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल M4E न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज समय से प्राप्त होती रहें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।